डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम खेती बारी करते हैं, बागवानी करते हैं, या छोटे पैमाने पे अपने घर के अंदर या बाहर में कुछ गमलों को भी रखते हैं, किचन गार्डनिंग वगैरह करते हैं, यानी हम सभी को ज़रूरत पड़ती है अपने पेड़ पौधों को सुरक्षा देने की। किन चीज़ों से? कीट व्याधियों से। और केवल कीट व्याधियों से नहीं, बहुत वैसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो बड़े भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये पेस्ट कौन कौन से हैं। पेस्टिसाइड के बारे में हम आज जानेंगे कि पेस्टिसाइड का उपयोगिता के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है। उसके पहले हम ये जान लें कि आखिर ये पेस्ट कौन कौन से हैं और इस पेस्टिसाइड वर्ड का मतलब क्या होता है। तो कोई भी चीज़, ठीक है, छोटा या बड़ा, एनी ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जिससे आपके संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, वो संपत्ति आपका पेड़ पौधा भी तो है, आपका फसल भी तो है, ठीक है, या फिर आपके घर के चीज़ों को नुकसान पहुंचता है, आपकी इंडस्ट्री है उसमें भी पेस्ट से नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो जिन चीज़ों से आपके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, दे क्रिएट न्यूसेंस, और जो न्यूसेंस यानी आपके लिए परेशानी पैदा करते हैं, ठीक है, आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, ठीक है, वे और जो डिजीज़ वगैरह फैलाते हैं, ये सभी क्या हैं? पेस्ट हैं। अब पेस्ट के इस डिफिनेशन में देखिए, केवल कीट और व्याधि नहीं आते हैं इसमें। हो सकता है कि कीट तो आते ही हैं। प्लांट पैथोजेंस यानी पौधों में खास करके हम चर्चा करें तो उनमें बीमारी पैदा करने वाले बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं, वो आते हैं। फिर खरपतवार भी तो एक तरह से आपका पेस्ट है, ठीक है, उससे भी तो आपको परेशानी होती है, उपज पे असर पड़ता है। इसी तरह से मोलस्क्स, कभी कभी आप देखते हैं कि आपके गार्डन में, आपके पौधों में घोंघा टाइप का कुछ जो फ्लग्स वगैरह हैं, ठीक है, स्नेल्स टाइप के जो क्रिएचर्स हैं वो आ जाते हैं, तो वे मोलस्क्स हो सकते हैं, ये भी आप के क्रॉप को डैमेज करते हैं, ठीक है। फिर बर्ड्स भी कुछ हो सकते हैं, कुछ फीस भी हो सकते हैं, वो भी आपके लिए पेस्ट का काम करते हैं। जैसे आपने कोई तालाब बनाया है, उसमें आपने रोहू वगैरह का पालन किया है शौक से, और आप के उस तालाब में अगर कोई वैसा जैसे कैट फिश टाइप का कुछ बाहर से मछली आ जाए तो क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा। जो जीवाणु हैं, ठीक है, माइक्रोब्स हैं, वे भी आपके लिए पेस्ट हैं। और मैमल्स, जैसे सबसे ज़्यादा चर्चा तो अभी नील गाय की होती है, ये भी हमारे लिए, किसान भाइयों के लिए पेस्ट है, ठीक है। इन सारे चीज़ों से हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे पौधों को नुकसान पहुँचता है, ठीक है। अब हम ये देखें कि पेस्टिसाइड किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, पेस्टिसाइड में दो वर्ड मिल गए, एक तो पेस्ट, ठीक है, और साइड, तो इन्हीं दोनों के मिलने से बना है पेस्टिसाइड, ठीक है। अब पेस्ट तो आपने जान लिया कि छोटे बड़े जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे आपको क्षति होती है, ठीक है, वे आपके पेस्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन साइड का मतलब होता है टू किल, मारना, ठीक है। तो जो पेस्ट्स को मार देता है उसको कहते हैं पेस्टिसाइड। हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने जो है यहूदियों की पूरी हत्या करा दी, तो उसको कहेंगे जीनोसाइड। तो साइड वर्ड जहाँ लग गया वहाँ समझिए कि किलिंग हो रहा है, ठीक है। ये अधिकांश इसमें से सब साइड्स हैं, ठीक है। तो और जो साइड्स नहीं है उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। वो मार नहीं रहा है तो वो कैसे फिर पेस्टिसाइड? इंसेक्टिसाइड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम पेस्टिसाइड मान करके बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो वीडिसाइड को अलग समझ लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से रोडेंटिसाइड को अलग समझ। अगर कंट्रोल के हिसाब से देखें तो अभी गवर्नमेंट ने इंसेक्टिसाइड में ही सबको रख दिया है, ठीक है, जो ऑर्डर है इंसेक्टिसाइड कंट्रोल का, ठीक है। लेकिन वहाँ इंसेक्टिसाइड का वर्ड जो है दरअसल होना चाहिए था पेस्टिसाइड, वहाँ वर्ड होना चाहिए था, ठीक है।
तो अब देखिए कि इंसेक्टिसाइड्स का मतलब खास करके जो इंसेक्ट्स को मारे हमारे क्रॉप में, जैसे अभी धान आप लगाएंगे, धान में गंधी बग लगता है, वो क्या है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट क्या है, वो आर्थ्रोपोडा परिवार का वो सदस्य है जिसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ठीक है, कितने, 3 जोड़ी, ठीक है। ये उसका और भी उसके कुछ लक्षण हैं, हमको उसके डिटेल में अभी नहीं जाना है। तो इंसेक्टिसाइड्स का मतलब जो खास करके इंसेक्ट्स को मारे, जैसे उदाहरण के लिए हम केमिकल नेम बताकर आपको समझा रहे हैं, मालाथियोन हुआ, ये थोड़ा पुराने जेनरेशन का है, और अभी नया में इमिडाक्लोप्रिड, ये सब नया मॉलिक्यूल है, पिछले कुछ बरसों से यूज़ हो रहा है। तो ये सब क्या है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, ये इंसेक्ट को मारते हैं, ठीक है। जैसे आपका मैंगो में मीली बग हो गया, दहिया कीट, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये हुआ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अब आइए फंजीसाइड। फंजीसाइड का मतलब जो फंगस को मारे वो क्या होगा, फंजीसाइड। जैसे सबसे पॉपुलर नाम तो आप पहले से जान ही रहे हैं, मैंकोजेब, ठीक है, मैंकोजेब, डाइथेन M45, डाइथेन Z78, ये सब जो है, जिनेब, ये सब जो है क्या है, फंजीसाइड्स हैं, ठीक है, कैप्टन, थीरम, ये सब क्या है, सब फंजीसाइड्स हैं। बहुत ज़्यादा नाम आपको हम नहीं गिनाएंगे। ये वैलिडामाइसिन, ये बहुत पुराना नहीं, पिछले कुछ वर्षों से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मान लिया आपके धान में अगर सीट ब्लाइट लगता है, ठीक है, तो इसके लिए वैलिडामाइसिन का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी जो फंगस को मार, जो फंगस बीमारी पैदा करता है उसका आप कंट्रोल करते हैं, और उसके लिए क्या डालते हैं, फंजीसाइड, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आलू का अगर उदाहरण लेते हैं, तो आलू में आपको खास करके जब लेट ब्लाइट वगैरह लगता है, ठीक है, वो सब किस चीज़ से लगता है, वो फंगस से लगता है, ठीक है। इसी तरह से बैक्टेरिसाइड, जो बैक्टीरिया को मारे उसको क्या कहेंगे, बैक्टेरिसाइड। जैसे नींबू का उदाहरण देते हैं, नींबू में साइट्रस कैंकर लगता है, ठीक है, वो क्या है, वो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, तो उसके लिए क्या डालते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कासुगामाइसिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तो पुराना मॉलिक्यूल है, ये सब कासुगामाइसिन वगैरह कुछ नया है, ठीक है। तो बैक्टेरिसाइड्स का मतलब जो बैक्टीरिया को मारे, बैक्टीरिया को कंट्रोल करे, ठीक है। अब इसी तरह से देखें, धान में ही अगर देखें बैक्टेरिसाइड का उदाहरण, तो BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो होता है, ठीक है, वह बैक्टीरियल डिजीज। अब आइए एल्गीसाइड्स, जो एल्गी को मारे, एल्गी का मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए शैवाल, ठीक है, जैसे नील हरित शैवाल है, तो कुछ एल्गी जो है आपका यूजफुल भी है, ठीक है, लेकिन मान लिया आपका पौंड है या नदी है वह एल्गी से बहुत ज़्यादा भर गया, आप फीस का काम कर रहे हैं मछली पालन का, ठीक है, आपका इंडस्ट्रियल कोई काम हो रहा है और उसमें बहुत सारे एल्गी जो है आ गए, तो आपको उस एल्गी का भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। एल्गी प्राय जो है वो देखेंगे कि कुछ धागा नुमा होते हैं, ठीक है, हरा ब्लू कलर का, और वो पानी में वो तैरते रहते हैं एल्गी, ठीक है, फिलामेंटस होते हैं, बहुत सारे एल्गी होते हैं। तो एल्गी को मारने के लिए प्राय हम क्या करते हैं, एल्गीसाइड्स में कॉपर सल्फेट, जिसको आप हिंदी में तूतिया कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर आइसोप्रोट्यूरोन का इस्तेमाल करते हैं। आइसोप्रोट्यूरोन जो है यह भी आपका एक तरह से कहा जाए तो ये वीडीसाइड है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, बट ये एल्गीसाइड्स में हो गया कॉपर सल्फेट, आइसोप्रोट्यूरोन एट्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, और हम सबका केमिकल नेम बता रहे हैं, हम कोई ट्रेड नेम, व्यापारिक नेम आपको नहीं बता रहे हैं। इसके बाद है एसेरिसाइड्स। एसेरिसाइड्स का मतलब जो मकड़ी को मारे, ठीक है, जैसे लाल मकड़ी, ये हार्मफुल होता है, आपने देखा होगा बैंगन के पत्तियों पर, भिंडी के पत्तियों पर ये लाल मकड़ी जो है वो क्या करते हैं, लग जाते हैं और रस चूसते हैं, फिर उसका पत्ता जो है धीरे धीरे निर्जीव हो जाता है, थोड़ा मुड़ भी जाता है, ठीक है, और इससे आपके फसल को काफ़ी क्षति होती है। तो वैसे माइट्स को जब मारते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एसेरिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डाइकोफॉल, फिप्रोनील एट्सेट्रा। अब यहाँ एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ इंसेक्टिसाइड जो है वो 4 जोड़ी वाले, ठीक है,
ये ऑर्गेनिज्म को भी जो माइट्स के ग्रुप में आते हैं इनको भी मारे, ठीक है। और जब मकड़ी की बात आती है तो बहुत सारे मकड़ी हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, ठीक है, आपके लिए मित्र होते हैं, ठीक है, और वो प्रीडेट करते हैं, वो शिकार करते हैं दुश्मन कीटों का, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा ये पेस्ट का डिफिनीसन है, ये लूज़ डिफिनीसन है, जो हो सकता है कि आपके लिए, आपके क्रॉप के लिए हानिकारक हो किसी ख़ास जगह पर, हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ ख़ास अर्थों में बेनिफिशियल भी हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमेशा पेस्ट ही होता है, ठीक है। अब आगे देखें, एंटीफिडेंट्स, एंटी का मतलब आप जान ही रहे हैं, जो विरोध करता हो, आपके विरोध में हो, और फिडेंट्स यानी खाने नहीं दे, भगा दे, फीड मीन्स होता है खिलाना, फीड मीन्स खाना, तो जो खाने नहीं दे, ठीक है, क्या करे, कीटों को भगा दे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म खाने के लिए आ रहे हैं उनको रिपेल कर दे, ठीक है, उनको कहेंगे एंटीफिडेंट्स। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया, जैसे आपका नीम से निकाला हुआ जो एजाडिरैक्टिन हुआ, और काफ़ी ये वर्सेटाइल है, इसका काफ़ी इस्तेमाल पेड़ पौधा में हम लोग जो है करते हैं, और ख़ास करके शौक से जो बागवानी कर रहे हैं या इंडोर प्लांट्स हैं, थोड़ा आउटडोर प्लांट्स कुछ रखे हुए हैं, उनको तो ये एजाडिरैक्टिन रखना ही चाहिए और इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि ये नीम से निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ नीम ऑयल वगैरह भी हो सकता है, तो एजाडिरैक्टिन जो है वो नीम ऑयल से ही ज़्यादा रिफाइन करके इसको निकाला हुआ है, ठीक है। इसमें अल्कलॉइड्स जो हैं वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इसी तरह से रोटेनॉल या मिश्री कंद वगैरह और कुछ खास प्लांट से जो है ये रोटेनॉल निकाला हुआ है, ये भी एंटीफिडेंट्स है, यानी क्या करते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म को आपके क्रॉप के पास जो है, आपके पत्तियों के पास, क्रॉप्स के नहीं आने देते हैं, भगा देते हैं, रिपेल कर देते हैं, ठीक है, खाने से मना कर देते हैं, इसलिए कहते हैं कि दे आर एंटीफिडेंट्स, ठीक है। अब आइए हर्बिसाइड्स, और साथ ही साथ एक वर्ड है वीडिसाइड्स, इन दोनों को हम समझ लेते हैं। तो जब बिना भेदभाव के सीधे आपको पौधों को मार देना हो, खरपतवारों को मार देना हो, ठीक है, घास फूस को मार देना हो, जैसे कभी कभी होता है कि सड़क के किनारे कुछ घास उग जाते हैं, जिद्दी घास हैं, ठीक है, उनको हटाना है, आपको सौंदर्यीकरण का कुछ काम करना है, तो वहाँ बिना सेलेक्ट किए हुए जब सभी को मार देना हो, ठीक है, हर्ब्स को, तो उसको कहते हैं हर्बिसाइड, ठीक है। लेकिन किसी क्रॉप में, ठीक है, कुछ खास जो है ऐसे वीड्स आ गए हैं, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करके क्रॉप को बचाते हुए केवल वीड को आपको मारना है, तो क्या डालेंगे, वीडिसाइड, ठीक है। उसमें अगर सीधे आपने हर्बिसाइड डाल दिया तो क्या होगा, हो सकता है कि पूरा का पूरा फसल आपका नष्ट हो जाए। तो जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे पाराकाट का हम जब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या ग्लाइफोसेट का जब इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या काम करता है, ये हर्बिसाइड का काम करता है, ये सभी पौधों को मार देता है, ठीक है, खरपतवार घास को मार देता है, उसके बाद क्लीन कर देता है। और वही हम 2,4-D का इस्तेमाल अगर करते हैं, ठीक है, खड़ी फसल में, सब में नहीं, ये इंट्रिकेट साइंस है, फिर कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। जैसे गेहूं की बात हम कर लें, तो गेहूं में अगर चौड़े पत्ती वाले खरपतवारों को मारना होता है तो हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। तो ये 2,4-D को आप समझ लीजिए कि ये वीडिसाइड हुआ, ठीक है। तो हर्बिसाइड एक जनरल टर्म है और वीडिसाइड एक सेलेक्टिव टर्म। अगला हम देखें कीमोस्टेरिलेंट्स, ये थोड़ा एक नया चीज़ हो सकता है। तो कीमो आप वर्ड जान रहे हैं, ठीक है, केमिकल से बना हुआ है, ठीक है, कीमोस्टेरिलेंट्स, एस्टेराइल करना मतलब बांझपन पैदा कर देना, ठीक है। तो ये जो कीमोस्टेरिलेंट्स क्या करते हैं कि ये जब इनका आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, मान लिया इंसेक्ट्स पर, तो क्या होता है कि ये उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको एस्टेराइल कर देते हैं, वह जो है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है, वो उसका विकास रुक जाएगा और वह जो है एडल्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कीमोस्टेरिलेंट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे इसमें हमारा केमिकल है डाई फ्लू
बेंजुरॉन, ठीक है, इसके कुछ ट्रेड नेम्स हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कीमो एस्टेरिलेंट्स, ठीक है, ये एनिमल को पूरा, ठीक है, छोटे मैंने इंसेक्ट्स के संदर्भ में अगर हम देखें उसको, उसका ग्रोथ जो है ना, उसका मॉल्टिंग जो है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, इस तरह से जब बनता है उसमें उसका एक्शन होगा तो उसको एडल्ट बनने ही नहीं देते हैं, उसको एस्टराइल कर देते हैं, ठीक है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एस्टराइल कर देते हैं, ओके। तो ये है कीमो एस्टेरिलेंट्स, और ये हुआ इंसेक्ट एट्रैक्टेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चना का खेती आपने किया है, तो चना के खेती में खास करके देखते हैं कि आप जब फेरोमोन ट्रैप्स लगाते हैं, ठीक है, उस ट्रैप में आप क्या कहते हैं कि उसमें जो है वो फीमेल का खास करके जो हार्मोन का ल्योर है, ठीक है, ल्योर का मतलब जैसे समझ लीजिए कि एक तरह का सेंट उसका, ठीक है, तो वह सेंट जो है वो सिंथेटिकली तैयार किया जाता है, ठीक है, नेचुरल का वो एक तरह से इमिटेशन है नेचुरल सेंट का, तो फीमेल का जो सेंट है एक तरह से वह जो है ल्योर के रूप में उस फेरोमोन में होता है ट्रैप्स में, ठीक है। उससे क्या होता है कि जितने जो मेल इंसेक्ट्स हैं आकर के उस थैली में वो गिरते जाते हैं जिसमें ल्योर लगा हुआ है, फिर उसको हम इकट्ठा करके नष्ट कर देते हैं। तो ये इंसेक्ट एट्रैक्टेंट्स हुए हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। और ये ल्योर्स जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेली ल्योर, ये आपको चना के संदर्भ में अगर इसको देखा जाए, जैसे मिथाइल यूजेनॉल, कभी कभी आपका फ्रूट फ्लाई वगैरह जो है उसको भी कंट्रोल करना होता है, कि मैंगो के पेड़ पर जो है, आम के पेड़ पर भी आप क्या करते हैं कि फेरोमोन ट्रैप्स लगा देते हैं, जो आपकी सब्जी है उसमें भी आप फेरोमोन ट्रैप्स लगा देते हैं, ठीक है, उसमें ल्योर्स लगे होते हैं। और ये ल्योर्स जो है ना, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का ल्योर सभी पौधों में काम कर जाता है, तो ये एट्रैक्टेंट्स, ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, यह जो है थोड़ा मिलता जुलता है आपके कीमो एस्टेरिलेंट से, ठीक है। ये क्या करता है कि यह भी जो है इंसेक्ट को पूरा फुल ब्लोन अवस्था में आने नहीं देता है, पूरा इंसेक्ट उसको बनने नहीं देता है। आपने देखा होगा कि इंसेक्ट के ऊपर जो है उसका जो बॉडी का जो एक्सो एस्केलेटन होता है, थोड़ा कवर जो होता है, वो हार्ड काइटिन का बना होता है, ठीक है, उस काइटिन को ही नहीं बनने देगा, ठीक है। तो जो काइटिन ही नहीं बनेगा, उसका ऊपर का एस्केलेटन ही नहीं बनेगा, तो वह इंसेक्ट जो है वो पूरा वो जिएगा कैसे, वो तो मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करते हैं, उसके ग्रोथ को रेगुलेट कर देते हैं, ठीक है, उसको बीच में ही रोक देते हैं। तो इस तरह से ये अभी तक हमने जो है डिफरेंट पेस्टिसाइड्स के बारे में जाना। अभी और कुछ है, जैसे ये देखिए मोलस्किसाइड्स जो हमने चर्चा किया, कुछ स्नेल्स, कुछ स्लग्स, आप देखे होंगे कि थोड़ी बारिश हुई नहीं कि आपके बगान में आ जाते हैं, आपके पौधों पे आ जाते हैं, खास करके छोटे स्तर पर आपने अगर किचन गार्डन वगैरह का काम किया है उसमें इससे काफ़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, चूँकि वे मोलस्क है वे सब, ठीक है, ये स्नेल्स वगैरह जो है वो मोलस्क हैं, जूलॉजी में आप जब जाएंगे इसके तो जानेंगे कि ये घोंघा परिवार के, सॉरी, तो ये मोलस्किसाइड्स इस यूज़ करेंगे इसमें मोलस्किसाइड्स का, ठीक है। तो इसमें जैसे कॉपर सल्फेट है और कुछ मेटलडिहाइड्स वगैरह हैं। इसी तरह से नीमेटिसाइड्स, जो नीमेटोड्स को मारने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, नीमेटिसाइड्स का। अब ये नीमेटोड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा गेहूं में खास करके कि कभी कभी जो है उसके बालियों में, ठीक है, ईयर कॉकल डिजीज होता है, उसमें लगता है कि मिट्टी की तरह छोटे छोटे गेहूं की तरह भ्रम आपको होगा कि ये छोटा गेहूं का दाना है, लेकिन आप उसको रगड़िएगा वो मिट्टी की तरह होगा, ठीक है। दरअसल उसमें जो है बहुत सारे, जैसे आदमी के शरीर में एस्केरिस वगैरह जो होता है फिलामेंट की तरह छोटा छोटा धागा की तरह जो पेट में कृमि बन जाता है, ठीक है, उसी परिवार का, ठीक है, पौधों में भी एक कृमि लगता है जिसको सूत्र कृमि कहते हैं, ठीक है, और ये जड़ में लगता है, ये आपके खास करके पौधों के ऊपर जो उसका फ्लावर वाला सिस्टम है उसमें भी जाता है। तो गेहूं में जैसे जब ये लग गया ईयर कॉकल डिजीज कौन पैदा करेगा, एंग्विना ट्रिटिसाई, ठीक है। इसी तरह से टमाटर में आप देखेंगे तो जब नीमेटोड लग जाएगा तो क्या होगा कि पौधा लगता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कीट वगैरह दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सूख क्यों रहा है, ठीक है,
सर सारी व्यवस्था ठीक है, पानी वगैरह का सब चीज़ का व्यवस्था ठीक है, ये पौधा सूख क्यों रहा है, ये पौधा कमज़ोर क्यों पड़ रहा है। तो हो सकता है कि जब आप उखाड़ करके देखेंगे तो अगर नीमेटोड का इन्फेस्टेशन जड़ में है तो उसमें भी आपको जो है क्या लगेगा, जड़ में इस तरह से जब आप जड़ पर देखेंगे तो कुछ गांठ जैसे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये गांठ जो है राइजोबियम के गांठ से थोड़ा अलग होते हैं, ये बराबर नहीं होंगे। राइजोबियम का गांठ जो है बहुत खूबसूरत लगता है कि माला की तरह होता है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया का जो आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, लेकिन इसके जो गांठ होंगे खास करके नीमेटोड्स वाले, ये अजीब टाइप का जड़ को गुच्छानुमा बना देते हैं, ठीक है, और बाली को भी ये गुच्छानुमा बना देते हैं, ठीक है। तो ये नीमेटोड्स का पहचान है, और इसमें गांठ जो होंगे माला की तरह नहीं होंगे, वो छोटे बड़े होंगे, बदरंग होंगे, बेतरतीब होंगे, ठीक है। तो ये नीमेटोड्स के लगने पर हम क्या डालते हैं, नीमेटिसाइड्स डालते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरोन। अब देखिए कार्बोफ्यूरोन जो है इंसेक्टिसाइड भी है, ठीक है, और ये नीमेटोड्स पर भी काम करता है, ठीक है, तो नीमेटिसाइड भी हुआ। नया मॉलिक्यूल्स में जैसे देखें तो ट्राइजोफॉस वगैरह है, ठीक है, ये भी जो है आपका नीमेटिसाइड का काम करता है। और अब आगे देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, इसमें जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है, घटाता है, बढ़ाता है, ठीक है, फ्लावरिंग को थोड़ा पहले लाता है, फ्लावरिंग को थोड़ा डिले करेगा, फ्रूट के साइज़ को बढ़ाएगा, फ्रूट के साइज़ को घटाएगा, ठीक है। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब आप समझ लीजिए प्लांट हार्मोन्स, जितने भी प्लांट्स हैं उसमें हार्मोन जो है प्रकृति बनाती है, लेकिन उसी हार्मोन का हम इमिटेशन भी करके हार्मोन बनाते हैं सिंथेटिकली। तो ये प्लांट हार्मोन्स कई तरह के होते हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए देख ले यहाँ पर जिबरेलिक एसिड, ठीक है, अगर बीज में जर्मिनेशन जल्दी लाना हो, मान लिया भिंडी का बीज है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जिबरेलिक के सीड से जब ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि बुआई के पहले ये भिंडी के बीज को अगर हम जिबरेलिक के सीड से ट्रीट कर देते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग समय पे होता है और वो जर्मिनेशन उसका सही होता है। डॉर्मेंसी जो होती है उसकी सुसुप्तावस्था जो है उसको तोड़ने के लिए जिबरेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए चना में कभी कभी शिकायत आती है कि चना जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, अभी ठीक है, अब जब फल लगना चाहिए अभी बढ़ ही रहा है, फूल लगना चाहिए बढ़ ही रहा है अभी, तो वहाँ पर हमको उसको ग्रोथ को थोड़ा रिटार्ड करना है, ठीक है। इसी तरह से बोनसाई वाला कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हमारे खास करके सजावटी पौधे हैं जहाँ पर हमको जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए पौधा, ठीक है, उसको थोड़ा ठिंगना बनाना है, उसके ग्रोथ को थोड़ा रोकना है, तो ऐसी स्थिति में हम साइकोसेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, साइकोसेल। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स हैं। आप जानते होंगे इथेफॉन जो होता है यह भी एक प्लांट हार्मोन है जिससे आप केला आम वगैरह पकाते हैं, ठीक है, और ये इथेफॉन जो है इससे इथिलीन निकलता है जो कि एक हार्मोन है। यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसके भी कई तरह के कार्य हैं, ठीक है। तो इसको भी पेस्टिसाइड के श्रेणी में ही मतलब ये कानून के हिसाब से रखा हुआ है, ठीक है। और ये हैं रोडेंटिसाइड्स, जो कुतर कर खाने वाले जीव जंतु हैं खास करके, ठीक है, जैसे चूहा हुआ, ठीक है, गिलहरी, इस तरह के जो जंतु हैं जो आपके फसल को आपके पौधे को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, और चूहा तो घर में भी आप बहुत तरह से क्षति पहुंचाता है, तो रोडेंट्स के कंट्रोल के लिए, ठीक है, आप जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं रोडेंटिसाइड्स, उसको मारने के लिए खास करके, ठीक है। तो जैसे वारफेरिन हुआ, जिंक फॉस्फाइड है, यह भी खास करके चूहा के नियंत्रण में इसका इस्तेमाल होता है, खास करके फील्ड कंडीशन में, बाहर में, ठीक है, और घर के लिए अंदर इस्तेमाल करना हो तो इसको हम बहुत सावधानी से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते। आज मेरा यही उद्देश्य था कि हम जो है यूसेस के अनुसार मतलब उपयोगिता के अनुसार, ठीक है, पेस्टिसाइड्स कितने तरह के होते हैं इसको मोटा मोटी हम बता दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सेंड योर फीडबैक टू मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू योर ज्ञान गार्डन। थैंक यू वेरी मच।